कांग्रेस सांसद राहुल गांधी शनिवार को संगम नगरी प्रयागराज के दौरे पर क्या पहुंचे कि बसपा सुप्रीमो मायावती उन पर फायर हो गई। हुआ ये कि राहुल शनिवार 24 अगस्त को प्रयागराज में संविधान सम्मान समारोह में पहुंचे थे। यहां उन्होंने जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया। क्या कहा सुनिए। मान लो हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के इंजन में 10 सिलेंडर है, काम सिर्फ एक सिलेंडर कर रहा है, मतलब 90% लोग बाहर बैठे हुए हैं और देख रहे हैं और उनके सिस्टम में कोई भागीदारी नहीं। उनके सिलेंडर में ना पेट्रोल मिलता है, ना मेंटेनेंस होती है, ना कोई चेकिंग होती है। एक सिलेंडर छोटा सा टक 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 चल रहा है, कह रहे भैया दुनिया में, और कहते हैं भैया सुपर पावर बन जाएगा। कैसे सुपर पावर बन जाएगा? 90% लोग सिस्टम के बाहर बैठे हुए हैं, हुनर उनके हाथ में है, स्किल उनके हाथ में है, ज्ञान उनके हाथ में है, उनका कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो इसीलिए हमने जाति जनगणना की बात उठाई। सुना आपने, राहुल गांधी ने कहा है कि 90% लोग सिस्टम के बाहर बैठे हैं और उनकी भागीदारी के बिना देश नहीं चल सकता। उन्होंने जातीय जनगणना पर जोर दिया। बस राहुल के इसी बयान पर मायावती ने पलटवार दो टूक बोल दिया। केंद्र में बीजेपी की सत्ता आने से पहले कांग्रेस ने अपनी सरकार में राष्ट्रीय जातीय जनगणना क्यों नहीं कराई थी, जो अब इसकी बात कर रहे हैं जवाब दे। जबकि बीएसपी इसके हमेशा ही पक्षधर रही है, क्योंकि इसका होना कमजोर वर्गों के हित में बहुत जरूरी है। इसके आगे बसपा चीफ ने आरक्षण के मसले पर कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी और सपा से लोगों को आगाह करते हुए कहा, संविधान के तहत SC ST को मिले आरक्षण में अवर्गीकरण विक्रमी लेयर के जरिए इसे निष्प्रभावी बनाने वे खत्म करने की चल रही साजिश के विरोध में कांग्रेस सपा वे बीजेपी आदि का भी चुप्पी साधे रहना, क्या यही इनका दलित प्रेम है? सचेत रहें। तीसरे पोस्ट में यूपी की पूर्व सीएम ने एक बार फिर किसी भी पार्टी से गठबंधन को लेकर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। उन्होंने लिखा, सपा कांग्रेस आदि जैसी इन आरक्षण विरोधी पार्टियों के साथ अब किसी भी चुनाव में इनसे कोई गठबंधन आदि करना क्या SC ST वे OBC वर्गों के हित में उचित होगा? यह कतई नहीं होगा। ऐसे में अब इनको खुद अपने दम पर खड़े होना है, यही सलाह। आखिर में बसपा अध्यक्ष ने लोगों से अपील करते हुए कहा, सपा और कांग्रेस की ऐसी दोगली सोच चाल चरित्र से जरूर सजग रहें। यानी कि मायावती ने साफ कहा है कि वो आने वाले किसी भी चुनाव में सपा कांग्रेस जैसी पार्टियों के साथ कोई गठबंधन नहीं करेंगी। इसके अलावा उन्होंने जातीय जनगणना के मामले पर राहुल गांधी से सवाल पूछ लिया कि जब आप सत्ता में थे तब ये कदम क्यों नहीं उठाया। हालांकि राहुल मायावती के सवालों का जवाब देंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।